भाई यार एक काम था। हाँ बोलो भाई, क्या काम है? अभी सरकार का आदेश आया है कि आधार कार्ड को है ना पैन कार्ड के साथ लिंक करना है और इसकी आखिरी डेट है 31 मार्च। अगर 31 मार्च तक है ना आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो उसके बाद हमें एक्स्ट्रा पैसे यानी कि यार 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो प्लीज आप आधार कार्ड लिंक कर दो ना। ओके मैं आपको है ना आधार कार्ड लिंक कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए 2 हजार रुपए देने पड़ेंगे। हैं 2 हजार रुपए? इतने ज्यादा? अगर नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको है ना इसके ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भाई लगता है यार मुझे अभी 2 हजार रुपए देने पड़ेंगे, चलो कोई ना। लेकिन रुको मेरे दोस्तों, आपको है ना ये जो एक्स्ट्रा 1 हजार या फिर 2 हजार है वह यार देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यानी कि आधार कार्ड को है ना पैन कार्ड के साथ लिंक करना है ना काफी ज्यादा यार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 31 मार्च के बाद है ना आपको यार एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप है ना आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ है ना लिंक कर पाएंगे, और यह भी बताऊंगा कि कैसे आप है ना 1 हजार रुपए बचा पाएंगे। तो सबसे पहले है ना आपको गूगल के अंदर जाकर सर्च करना है इनकम टैक्स। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर है ना फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, यह वाली। तो आप है ना इस वेबसाइट को दरअसल देख लेना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आप है ना किसी फेक वेबसाइट पर आधार कार्ड और पैन कार्ड डाल देंगे तो आपके साथ है ना एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है। इसलिए ये जो है ना वेबसाइट है उसका स्पेलिंग एक बार है ना चेक कर लेना। तो देखो जैसे ही मैं ना इस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने भी है ना ऐसे कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इसके अंदर है ना बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। तो देखो जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल अप करता हूँ, और हाँ मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग है ना आधार कार्ड यार ऑलरेडी है ना पैन कार्ड के साथ लिंक है, यानी कि उनको है ना कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये जो पैसे है वह भी यार देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यार ये पता ही नहीं होता कि उनका आधार कार्ड लिंक भी है या फिर नहीं, और वह लोग है ना टेंशन ऐसे ना हड़बड़ी में आकर जो पासी के ना साइबर कैफे होते हैं वहां पर जाकर यार अपना आधार कार्ड लिंक करवाते हैं, और जो सामने वाला बंदा होता है ना वह यार कई बार 1 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो है ना 5-10 मिनट की है। आपको है ना साइबर कैफे वाले को कोई भी ना एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि किशन भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं? तो चलिए वह मैं आपको है ना बताता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको है ना लिंक आधार स्टेटस इस वाले ऑप्शन पर है ना क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो थोड़ा वेट करो, फिर देखो आपके सामने ना ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको है ना पैन कार्ड नंबर डाल देने, फिर नीचे ना आधार कार्ड नंबर डाल देने, उसके बाद है ना व्यू लिंक आधार स्टेटस इस वाले पर है ना ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर देखो आपके सामने भी ऐसा है कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, योर पैन कार्ड यानी कि यहाँ पर है ना पैन कार्ड नंबर है इस ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, यानी कि जो पैन कार्ड नंबर है वो है ना लिंक है आधार कार्ड के साथ। तो फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है तो फिर आपको ना कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई लोगों को है ना ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि आपका है ना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ है ना लिंक नहीं है, तो है ना आप आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक कैसे कर पाएंगे? तो चलिए हम है ना जान लेते हैं। तो इस प्रोसेस में ना 2-3 मिनट ही लगेगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ है ना लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार, तो इस पर आपको है ना क्लिक कर देना है। फिर देखो आपके सामने भी है ना ऐसे कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर है ना आपको पैन कार्ड नंबर डाल देने, उसके बाद यहाँ पर आपको है ना आधार कार्ड नंबर डाल देने, फिर देखो इसमें ना आपको 1 हजार रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि कई लोगों को है ना 1 हजार रुपए देने की जरूरत नहीं है, यानी कि कई लोगों को यार 1 हजार रुपए देने नहीं है। किनको नहीं देने वह भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि जो है ना NRI हो मतलब बाहर रहते हो उनको देने की जरूरत नहीं है, या फिर जो इंडिया के सिटीजन ना हो उनको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, या फिर जिनकी एज है ना 80 साल से ज्यादा हो उनको भी पैसे नहीं देने, या फिर लिखा हुआ है जो कि है ना आसाम मेघालय और जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको है ना पैसे देने की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को है ना पैसे देने पड़ेंगे। तो है ना आप पैन कार्ड और आधार नंबर है ना डालने के बाद यहाँ पर है ना वैलिडेट पर क्लिक कर देना। फिर देखो आपके सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको है ना फिर से पैन कार्ड नंबर डाल देने, और नीचे है ना मोबाइल नंबर डाल देने, उसके बाद है ना कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। फिर जो आपने ना मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पर है ना एक OTP आएगा, तो वह OTP है ना यहाँ पर आपको डाल देना है, और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर देखो ऐसा कुछ है ना डैशबोर्ड आ जाएगा, देखो 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना इनकम टैक्स, तो इस पर आपको है ना क्लिक कर देना है, यानी कि प्रोसेस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर देखो यहाँ पर है ना ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर है ना साल के अंदर
आपको है ना 2023-24 ये वाली साल है ना डाल देनी है। फिर जो है ना ये दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर आपको है ना आधा रिसिप्ट ये वाला है ना जो 500 लिखा हुआ है इस पर आपको है ना सिलेक्ट कर देना है। फिर देखो यहाँ पर है ना कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर देखो आपके सामने है ना पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सारे अलग अलग मतलब बैंक है जिससे कि आप है ना पेमेंट कर सकते हैं, तो आप इनमें से ना कोई भी सिलेक्ट करना मतलब जो आपकी बैंक हो, उसके बाद है ना कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। फिर देखो आपके सामने ना ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको है ना टिक मार्क कर देना है। फिर सबमिट टू बैंक इस वाले ऑप्शन पर है ना क्लिक कर देना है। तो देखो उसके बाद है ना यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से ना आपको जो रिसिप्ट है वो है ना डाउनलोड कर देनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि है ना तुरंत ही आधार कार्ड है ना पैन कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा, कम से कम इसमें ना एक दो दिनों का वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर जैसे ही है ना 2-3 दिन हो जाएंगे तो आपको है ना इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार। जैसे यहाँ पर है ना आपको पैन कार्ड और है ना आधार कार्ड नंबर डाल देने, यानी कि आपने ना जो पहले डिटेल्स डाली थी वही डिटेल्स है ना यहाँ पर आपको डाल देनी है। और जैसे ही आप है ना डिटेल्स डालेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका है ना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ है ना 1 दिन के अंदर ही लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से ना आप आसानी से यार आधार कार्ड को ना पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना।